हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न तक। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है पल्लव वंश के संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक था कौन था, शिव विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, शिव विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम तमिलनाडु में जो है पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है, ये पल्लवों की राजधानी था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नटराज की मूर्ति थी कब की थी दोस्तों, चोल काल की जो है नटराज की मूर्ति थी। ठीक है, कब की, चोल काल की जो है नटराज की मूर्ति थी। राजकुष्ठ का वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो दंती दुर्ग था। कौन था, दंती दुर्ग जो था राजकुष्ठ वंश के संस्थापक था। राजकुष्ठ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो मानिकहेत जो था, मानिकहेत राजकुष्ठ की जो है राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्यों की जो राजधानी थी बतापी थी। कहाँ था दोस्तों, बतापी जो थी चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तलय द्वितीय था। कौन था दोस्तों, तलप द्वितीय जो था कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजेंद्र द्वितीय था। कौन था, राजेंद्र द्वितीय था। भारत में पहली बार सैनिक शासन लगाया गया कब, ग्रीकों ने जो है भारत में पहली बार जो है सैनिक शासन लगाया था कब दोस्तों, ग्रीकों के द्वारा जो है पहली बार भारत में सैनिक शासन लगाया गया था। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौन था दोस्तों, तो चोल वंश के द्वारा जो है, चोल वंश जो थे वो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की जो था, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसकी, चोल वंश की स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। होयसल वंश की राजधानी थी दोस्तों, तो होयसल वंश की जो राजधानी था द्वार समुद्रम था। कहाँ था दोस्तों, द्वार समुद्रम जो था होयसल वंश की राजधानी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हूनों का आक्रमण हुआ था कब, किसके समय में, तो स्कंदगुप्त के समय जो था हूनों का आक्रमण हुआ था। किसके समय में दोस्तों, स्कंदगुप्त के समय में जो है हूनों का आक्रमण हुआ था। हूनों का पहला शासक कौन था दोस्तों, तोरमान जो था हूनों का पहला शासक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ख्रीज खां जो था सैयद वंश के संस्थापक था। दोस्तों ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो सैयद वंश का जो है अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद शाह था। कौन था, अलाउद्दीन अहमद शाह था। अगला प्रश्न दोस्तों, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था, तो था नसरुद्दीन। कौन था दोस्तों, नसरुद्दीन था। ठीक है, और मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था किसके साथ हुआ था, यशोवर्मन के द्वारा जो था मिहिर मुल्ला पराजित किया गया था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।